मुस्लिम धर्मावलंबियों में पाक रमजान माह का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। रोजा इफ्तारी के समय मुस्लिम बस्तियों में खासी चहल पहल देखी जा रही है। खासकर मोहन टाकीज, छोटी मोहन टाकीज, रामेश्वर टाकीज सहित अन्य क्षेत्रों में शाम होते ही रोजा इफ्तारी की खरीदी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। दुकानें शाम से देर रात तक संचालित हो रही है। इसके अलावा ईद की खरीदारी भी शुरू हो गई है। शीर खुरमा के साथ ही कपड़े की जमकर खरीदारी हो रही है। मंगलवार को रमजान के 27वें रोजे की रात को शब ए कद्र के रूप में मनाई गई। समाजजनों ने बताया यह दिन बड़े रोजे के नाम से जाना जाता है। इस दिन के विशेष महत्व के कारण ही अधिकतर बच्चे अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखते हैं। 27वीं शब को मस्जिदों में तरावी की नमाज अदा की गई। मस्जिदों को रमजान में विशेष तौर पर सजाया गया। समाजजनों ने बताया कि रात भर इबादत के बाद मुसलमान अपने रिश्तेदारों अजीजों की कब्रों पर फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं भी मांगते हैं। इस रात में अल्लाह की इबादत करने वाले मोमिन के दर्जे बुलंद होते हैं, उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। 27वीं रात है रमजान की, इबादत वाली रात है, और इस रात में सब लोग जो इबादत करते हैं और मगफिरत की दुआ करते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं, और ये रात बहुत अफजल रात है। रात भर इबादत है, नमाज भी होती है। जी जी, रात भर नमाज इबादत वगैरह, तस्बीह वगैरह, और इसमें जो है मतलब, और अभी के वक्त में सब इफ्तारी वगैरह की वो लगी है, और आज दुआ भी होगी, आज सलाम का पूरा मुकम्मल होगा मस्जिदों में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक इमरान। रात जो है हजार महीनों से अफजल रात है भैया, है ना। इसी रात में कुरान नाजिल हुआ, और ये कुरान के अंदर जो है सिर्फ मुसलमान ही, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है ना। और इस रात के अंदर जो है फरमाया जो है मलाइका रात भर नुजूल होते हैं, और इबादत की रात है ये। क्या हजार महीनों से अफजल कहने ये रात का वो है, कुरान के अंदर भी हुक्म है। और सुबह तक कहने जो है भलाई भलाई होती है। क्या नाम है आपका? जुल्फिकार अंसारी। मुसलमानों के लिए बहुत अहम रात है, जिसको 27 सब कहते हैं। इसमें जो खुसूसी लोग इबादत करते हैं रात में कुरान के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।